चलिए दोस्तों, जैक प्रेलुट्स्की इनके द्वारा लिखित माय ब्रदर बिल्ट अ रोबोट ये पोयम देखते हैं। चलिए, बहुत मजेदार पोयम है। माय ब्रदर बिल्ट अ रोबोट दैट डज नॉट एग्जैक्टली वर्क। एज सून एज इट वाज फिनिश्ड इट बिगन टू गो बिजर्क। इट्स आईज ग्रू इनकैंडेसेंट एंड इट्स नोज अपीयर्ड टू ग्लीम। इट बेलोड अनबिनाइनली and its ears emitted steam. My brother built that robot to help us clean our room. Instead, it ate the dustpan and attacked us with the broom. It pulled apart our pillows, it disheveled both our beds, it took a box of crayons, and it doodled on our heads. That robot seemed relentless as it tied our socks in knots, then clunked into the kitchen and dismantled pans and pots. The thing was not behaving in the fashion we had planned. It clanked into the bathroom and it filled the tub with sand. We tried to disconnect it, but it was to no avail. It picked us up and dropped us in an empty garbage pail. We cannot stop that robot, for we're stymied by one hitch. My brother didn't bother to equip it with a switch. हिंदी में भी बताती हूँ। मेरे भैया ने जब रोबोट बनाया था तो क्या हुआ था वो मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। यहाँ पे जो ब्रदर है उसने एक रोबोट बनाया था और जैसे उसे लगता था वैसे वो काम नहीं कर रहा था। जैसे ही उस कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था तो वो तुरंत ही बंद हो जाता था। फिर जब चालू हुआ तब उसकी आंखें लाल लाल हो गई और जैसे कि विलन की जैसे कि देख सकते हैं एक चमक उसके ऊपर आ गई थी और ऊपर से उसकी नाक बहुत चमक रही थी जैसे कि सिग्नल होता है वैसे। उसके कानों में से बाफ निकल रही थी। वो बहुत गुस्सा वाला हो गया था। वो किसी की भी सुनने वाला नहीं था। ऐसे वो बिल्कुल हो गया था। तो मेरे भाई ने एक रोबोट बनाया था। अब वैसे तो हमने ये रोबोट इसलिए बनाया था कि वो रोबोट हमारी रूम की साफ़ सफाई करे, लेकिन साफ़ सफाई तो बिल्कुल नहीं की। उसने अपने हाथ में उल्टा पूरी गंदगी कर दी। पिलो की कुशंस निकाल दी, उसमें से पूरा यहाँ वहाँ कचरा कर दिया था, बेड गंदा कर दिया था। वो भी नहीं मन भरा हमारे क्रेयॉन लेके हमारे ही चेहरे पे उसने कलर कर दिया। ये भी करके अब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शायद से उसने पूरी रूम को तहस नहस कर दिया। हमारे ड्रॉवर्स में से हमारे सॉक्स निकाल के उसको गांठ मार के रख दिया। अब किचन की ओर दौड़ा। जब ये रोबोट किचन की तरफ दौड़ा, इसने घर की जितने भी पैंस है, जितनी भी चीज़ें हैं, सब निकाल निकाल के फेंक दी। अभी भी मन नहीं भरा। हाँ, बहुत चीज़ें बुरी तो कर दी थी, लेकिन इसने हमारे बाथरूम में जाके जो हमारा बाथटब होता है वो पूरा का पूरा मिट्टी से भर दिया। हम लोग कैसे तो कोशिश कर रहे थे कि उसके बटन को बंद कर दूँ और वो काम करना बंद कर दे, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। जब हम ये कोशिश कर रहे थे, रोबोट भैया ने हमें देख लिया और हमें दोनों को उठा के उसने डस्टबिन में डाल दिया। ऐसा रोबोट मेरे भाई ने बनाया था, जिसे लगता था कि वो काम करेगा, लेकिन वो काम करना बिल्कुल बंद ही नहीं कर रहा था। और हम दोनों पागल हो गए थे उसकी एक एक सोच को देख के, उसके एक एक हरकत को देख के। और मेरा भाई सब करके एक बटन नहीं बना सका जो उसे स्विच मतलब बंद कर सके। पोयम मैंने पढ़ा दी है, आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही देखते रहिए। बहुत सारी पोएम्स मैंने बनाई है।